पैसे जमा करके और इस कार्य का प्रारंभ किया था, जिसे यहाँ के शिवसेना के नेताओं ने अड़चन डालने का प्रयत्न करने के बावजूद आज सफलता मिली है। और सर्वे का जिनको श्रेय है ऐसी हमारी ये 2018 में 56 लाख रुपए सर्वे का भरा है। 56 लाख रुपया तर माझ्या बाजूला येऊन आज त्याने उभं राहायचं होतं, मी तुमचं स्वागत केलं असतं। परंतु और पीछे आ जाओ यार, फ्रेम नहीं आ रहा बराबर। अनुभव नारियल फोड़ने का बहुत बहुत खुशी होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका सपना है कि हर एक झुग्गी झोपड़े वाले में रहने वाले हर एक आदमी को उनको अपना खुद का मकान होना चाहिए, और मोदी जी हर एक को 2024 तक पक्का मकान देने का उनका वादा है। ऐसे ही 2014 से इस गणपत पाटिल नगर के लोगों को ना पानी था, ना लाइट था, ना शौचालय था, और ना उनके यहाँ चलने के लिए रास्ता था। तो मैं पहले तो शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे मुंबई के प्रभारी और मेरे विधिमंडल के हमारे चीफ व्हिप आशीष एडवोकेट आमदार आशीष शेलार जी का, जिन्होंने 2014 से मुझे गणपत पाटिल नगर के विकास के लिए मुझे सहकार्य किया, और इस ज़मीन के मालिक संजीव नाइक ने लाइट के एनओसी के लिए मेरे को एनओसी दिया, पानी के एनओसी के लिए उन्होंने एनओसी दिया। अभी गणपत पाटिल नगर के हर गली में उधर रास्ता बनाने के लिए भी उन्होंने एनओसी दिया, और ख़ास करके जबी गवर्नमेंट से पहले सर्वे हो रहा था तभी गवर्नमेंट ने मालिक को नहीं पूछा था, इसीलिए उन्होंने मैं ताई के आभार मानता हूँ कि ताई ने मेरे को इधर बुलाया। और ये जो पुनर्वसन का काम शुरू हुआ है ये काफ़ी सालों से हुआ है,
ताई 2014 से संघर्ष कर रही है और ताई के संघर्ष अभी आपको सब दिख रहे हैं कि इस पर फ्रूटफुल एक रिज़ल्ट आ चुका है। और जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ ताई ने मुझे पुकारा, मैं हमेशा ताई के साथ खड़ा हूँ। हमें आशीष शर्मा जी का भी बहुत सहयोग मिला है, मदद मिली है। और पानी, बेसिक एमिनिटीज़ जिसको बोलते हैं, पानी, लाइट, ड्रेनेज, जो बेसिक एमिनिटीज़ ताई ने लेके आई है, हमने सिर्फ एनओसी देने का काम किया है। और अभी ये ऐसे मोड़ पे आके खड़ा है कि अभी सबको एक कंफर्मेशन मिला है कि यहाँ पे SRA डेवलपमेंट होने वाला है। और ये सिर्फ सपना था, ये सपना पिछले कई सालों से लोग देख रहे थे। अभी ये सपने को साकार होते हुए भी लोग देखेंगे और यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है।